ये वाले दो कल बनाए थे, आज ये और ये वाला बना है, छोटा वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांटामुला। जैसा कि आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा कि मैं एक छोटी सी राइड पे आया था बारामूला से गांटामुला। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, लेकिन वहाँ से यहाँ का जो हिसाब किताब है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की खेती बाड़ी में जो सब लोग लगे रहते हैं वो अलग है। बारामूला टाउन में ऐसा नहीं देखा जाता यूजुअली। तो अभी जो है हम हैं गांटामुला में, और यहाँ से आप बाहर देखोगे कि सारे लोग अपने अपने खेतों में बिज़ी है, क्योंकि आज धान की फसल जो है उसका उसे वो चावल निकाल रहे हैं। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कैमरा में शायद आपको अच्छे से ना दिखे, लेकिन यहाँ से सारे जो खेत है वहाँ आगे तक हर किसी खेत में जो है काम चल रहा है अपना अपना। कोई एक जगह से दूसरी जगह धान की फसल को ले रहा है, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ऐसे इसका ये मखान जैसा बना के रखा है, इसको कश्मीरी में थैपर बोलते हैं। तो फिर ये यहाँ से उतार के इसमें से चावल निकालेंगे, और यही चीज़ जो है यहाँ की मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे इस वाली लाइफ में। ये घर के व्लॉग्स हैं, और घर के व्लॉग्स में थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब तक हम ट्रैवल इंशाल्लाह आगे फिर से स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें पेंडिंग है वो कलेक्ट करके हम फिर से इंशाल्लाह ट्रैवल के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। क्या प्लान है आज का? आज का अभी कुछ सोच इमीडिएट सोचे नहीं है, सोचेंगे। थापर बनानी है इंशाल्लाह। कब? 5 बजे। अच्छा, कितना दोगे? मैं बनाऊंगा 200-300 रुपए। 300 रुपए? शर्म करो थोड़ा। 600। और खाना पीना? चलो ठीक है, डन। यूरियो ये हशमत ठीक है। छिपाई कितना? ठीक है छिपाई रुकन मुझ रुकन मुझ ठीक है सुनो बैठ मन हशमत हशमत ठीक है छिपाई सुनो बालस भाई ना गुरुन भाई क्या चीज है ना इजहान आवी के इसको भी बाइक्स का बड़ा शौक है। होता वक्त फलत मौज भाई, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इधर देखो अपने खेतों में क्या करने वो बनाने क्या बोलते हो मकान बनाने मकान बनाने मकान बनाने। अच्छा ये जो है ना ये इनके फिर लास्ट में बनाते हैं वो घर जैसे ऐसे पिरामिड जैसे बोलता है धीरे धीरे चलो तब तक काम खत्म हो जाएगा वहां पे। वाह वाह बेटे मौज कर दी। ये वाला कंप्लीट हो गया है, अब नया बना रहे हैं, क्योंकि अभी ये पेंडिंग है और वहाँ भी आधे अभी पेंडिंग है। ये वाला मकान कंप्लीट, ये वाले कल दो बनाए थे, आज ये एक बनाया बड़ा वाला, और अब मस्जिद जो है वहाँ से छोटा वाला और एक बना रहा है वो वहाँ पे। मेरे हिसाब से आजकल वो वाला सिस्टम नहीं रहा जब सारे लोग आके फिर हेल्प करते थे। आजकल फैमिली मेम्बर्स हैं या तो फिर रेंट पर किसी को लाओ, उसको दिन भर की दहाड़ी दे दो और काम हो गया आपका। ऐसे पुराने ज़माने में जब होते थे वीडियोस में देखा करते थे, सब लोग आते थे साथ में मिलके ये सारी चीज़ें करते थे। आजकल तो वो देखने को मिलता नहीं है। आजकल या तो हमने बाहर वालों को ये सौंप दिया, या तो खुद करते हैं या फिर रेंट पे किसी को ला के उसको दिन की दिहाड़ी दे के वो काम अपना निपटा देते हैं।
ये देखो सारे कंप्लीट हो गए। ये वाले दो कल बनाए थे, आज ये और ये वाला बना है छोटा वाला। तो आज का काम ख़त्म हो गया, अब चलते हैं घर। बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांटोमुला। कल खेत में काम करने के बाद जो है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने व्लॉग नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं खाने के लिए गया था। जब मैंने व्लॉग एंड करने के बाद बोला था कि मैं कहीं खाने के लिए जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं गया, बस घर में आके वापस रूम में आके सो गया क्योंकि मैं थक गया था। तब जाके पता चला कि जो ज़मींदारी होती है ना, ये कितनी टफ़ होती है और इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो फार्मर्स इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना, फिर समझ आता है कि ये क्यों इतना कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है। तो आई स्टैंड विद फार्मर्स। तो अब माजिद भाई जो है हमें कुछ खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये जो है घांटामुला कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट निकला है, तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ का फूड टेस्ट करेंगे कैसा बनाते हैं। फ्रोज़न फीस नाम है उस जगह का। तो आज वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आज हम फूड टेस्ट करेंगे। देखें, हम लोग बारामूला से यहाँ तो आते ही हैं, और बारामूला से फूड लाने से बजाय हम यहीं पे गर्मा गर्म जो है फूड साथ लेके रिजर्वायर की तरफ चले जाएं और वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, तो बेहतर है यहीं से हम फूड जो है वो साथ लेके चलें। अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पे आज का फूड ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है मैं वापस अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। तो ये वाला रेस्टोरेंट जो है ये घांटामुला कॉलोनी से आगे जब उरी की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा कॉलोनी के मार्केट में ही है। एक तो रिजर्वर की तरफ जाता है, दूसरा इधर कॉलोनी की तरफ आइए घांटामुला की तरफ आता, तो ये वहीं पे है। तो आप यहाँ से कॉफ़ी पी सकते हैं या फास्ट फूड जो आपको बेटर लगे, बिरयानी, मोमोज, एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। टेस्ट करना है आपको? हम पहले चाय पियेंगे। हम चाय और पकोड़े मैं चाहता हूं सब कुछ है। चाय और पकोड़े ज्यादा वो। हाँ। पकोड़े के साथ चटनी भी ट्राई करते हैं पहले। ये वाला कबाब जो है ये आप देखो साइज में कितना बड़ा है, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का ही है ना जी सर? 100 बाहर तो ये 200 से कम मिलेगा ही नहीं। तो 100 रुपीज़ का कबाब भी ये ऑर्डर पे बनाते हैं आप? ऐसे ही अवेलेबल होता है? अवेलेबल भी होता है, तो किसी को चाहिए होगा तो यहाँ पे आ जाइएगा। सर हमारे मॉडल है आज के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस घर पहुंच गया हूं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आगे हमें और भी बहुत सारे व्लॉग्स करने हैं, अभी शादी की तैयारी भी करनी है, वो भी आगे आगे आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।